हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक सूप, जिसे मोरिंगा या सिंग कहा जाता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। हम इसे माइल्ड फ्लेवर देंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग, अडल्ट सबको पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ड्रमस्टिक, जिसे 4 इंच के टुकड़ों में कट कर देंगे। फिर हम लेंगे 1 कप चॉप्ड टोमेटो, चॉप्ड ओनियन, छोटा टुकड़ा अदरक, 4 कलियाँ लहसुन, हल्दी, नमक, हींग एंड जीरा पाउडर। अभी हम सबको कुकर में डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, 2 विसल्स तक बॉईल करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें से ड्रमस्टिक को अलग प्लेट में लेकर कूल होने रखेंगे। अभी हम वेजिटेबल और उसके स्टॉक यानी पानी को अलग करेंगे। ये जो वेजिटेबल स्टॉक आप देख सकते हैं, इसे बाद में सूप बनाने यूज करेंगे। अभी जो वेजिटेबल बचा है, इसे ग्राइंड करेंगे हम लोग। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना देंगे हम इसका। अब हमारे ड्रमस्टिक्स कूल हो गए हैं। अब पल्प और सीड्स निकाल लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। अब वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं ये सीड और पल्प निकाल रही हूँ। दूसरी तरफ हमारा वेजिटेबल पेस्ट रेडी है। इसमें ड्रमस्टिक के पल्प एंड सीड को ऐड करेंगे और वापस ग्राइंड करेंगे स्मूथ पेस्ट के लिए। अब हमारी पेस्ट हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं सूप की तरफ। कुकर में हम 1 स्पून बटर डालेंगे और बटर हीट होने पे हम स्टॉक ऐड करेंगे। और फिर हम हमारी पेस्ट ऐड करेंगे। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिरी और बारीक कटी हुई धनिया और इसे बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए। हमारा सूप तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम इसे सर्व कर सकते हैं सोया स्टिक के साथ। क्वांटिटी के हिसाब से हमने थोड़ा और आधा ग्लास पानी डाला है। ये अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। गाइस, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।